फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम एकेडमी। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे पेपर वन का ट्रॉपिकल साइक्लोन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि शॉर्ट नोट्स या 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन सीधे ट्रॉपिकल साइक्लोन से आ जाए या ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में क्या डिफरेंसेस से आ जाए। विंड वाला जो हमारा चैप्टर है उसी से रिलेटेड जो है ये भी टॉपिक है, जो हिडन टॉपिक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने से पहले हमें यहाँ का एरिया पता करना पड़ेगा, ये किस एरिया के बीच में चलता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ा रखी है, वहां पे मैंने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन दिखाया था नॉर्थन हेमिस्फेयर में, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन कहाँ दिखाया था, साउथन हेमिस्फेयर में। तो इन दोनों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के बीच वाला जो जोन है, इस जोन में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। और इसको और स्पेसिफिक तरीके से बोलूं तो हमने ये देखा था जो इक्वेटर होता है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ साउथन हेमिस्फेयर में, वहां पे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एकदम जीरो या नगण्य होता है, जिसके कारण वहां पे साइक्लोन उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ इनको छोड़ दो, और बाकी जितना भी एरिया है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन नॉर्थ वाला और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन साउथन हेमिस्फेयर वाला, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन चलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, अगर ये कंडीशन मिलती हैं एक साथ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनना शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इसके आने के लिए क्या कंडीशन है, और यही कंडीशन जो आपको आ गई तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहली कंडीशन ये होती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन तब आएगा जब जो सी सरफेस टेम्परेचर, आपको ये तो पता होगा कि समुद्र से ही ये उत्पन्न होगा, तो जो सी का सरफेस टेम्परेचर है वो एटलीस्ट 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। किसका? सरफेस सी टेम्परेचर। बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहा हूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसा बुक में भी नहीं मिलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये तब आता है जब सी का सरफेस टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड इतना तो होना चाहिए, और कितनी डेप्थ तक, 50 से 60 मीटर की डेप्थ तक। अब इसको समझो कैसे, कि अगर मान लो ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये पूरा समुद्र है और इसकी ऊपर की इतनी हमने गहराई ले ली 50 से 60 मीटर, तो इस पूरे कॉलम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वहां पे जनरेट होता है जहां पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं। दूसरा हमारा कंडीशन होती है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड होने बहुत जरूरी होते हैं, और यूपीएससी में तो एक बार इसी पॉइंट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वहीं उत्पन्न क्यों होते हैं जहां पे ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं। अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की लोकेशन देखोगे, साउथ ईस्ट एशिया में अंडमान निकोबार और मलेशिया सिंगापुर इनके आसपास क्या है, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ क्या है, आइलैंड है, और यहाँ पे यहीं से ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है चलना स्टार्ट होता है। तो वो क्यों होता है वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन होती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के लिए आपका ITCZ, ये हमने पढ़ लिया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। बिना कोरियोलिस फोर्स के ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्पन्न ही नहीं हो सकता, और एटमॉस्फेरिक वर्टिसिटी होनी चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक वर्टिसिटी होनी चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, ITCZ होना चाहिए। अब आपको एक नई चीज बता दी, वर्टिसिटी क्या होती है, तो इस तरीके का जो निर्माण होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिसिटी। और हम देखते हैं साइक्लोन ऐसे करके घूमता है, तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए। अगली कंडीशन जो होती है अपर एयर डाइवर्जन, मतलब जो नीचे से साइक्लोन उत्पन्न होगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डाइवर्ज होने लग जाएगा। तो तीसरी चौथी कंडीशन हो गई अपर एयर डाइवर्जन, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा, ठीक है, या कोई भी साइक्लोन आता है तो क्या होता है, लो प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है, जबकि एंटी साइक्लोन में बीच में क्या हो रहा था, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ऐसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो अगर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो मैंने क्या बोला था, ये इनस्टेबिलिटी कहलाती है। तो वही चीज है कि एटमॉस्फेरिक क्या होनी चाहिए,
इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए। इनस्टेबिलिटी नहीं होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन भी नहीं होगा, और इसको और अच्छे वे में बोलो तो लो प्रेशर जोन जो है वहां पे क्रिएट होना चाहिए। अगली कंडीशन छठी जो आपने सुनी नहीं होगी, वीक मतलब कमजोर, शियर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होना चाहिए? बहुत ही वीक होना चाहिए। अब आप बोलोगे शेयर फोर्स होता है क्या है? जैसे कि मैं आप सीधे आपके सामने खड़ा हूं, अगर मेरे को कोई इस साइड से धक्का दे तो मैं कैसे हो जाऊंगा? इधर की तरफ हो जाऊंगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या करता है? वस्तु की जो अवस्था होती है उसके उल्टी तरफ उसको ढकेलने की कोशिश करता है, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि ये हमारा साइक्लोन यहां उत्पन्न हुआ, अगर इसमें शेयर फोर्स बनेगा तो साइक्लोन को किधर की तरफ ले जाएगा? इधर की तरफ, ठीक है ना? साइक्लोन जो इधर की तरफ हो जाएगा, और जब और ज्यादा शेयर फोर्स होगा तो साइक्लोन क्या होगा? टूटने लग जाएगा। इसको बोलते हैं डेथ ऑफ साइक्लोन, मतलब साइक्लोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो शेयर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी साइक्लोन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए शेयर फोर्स जो होना चाहिए नगण्य या बहुत ही क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और हमारी लास्ट कंडीशन बचती है ईस्टर्ली विंड का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के नीचे और साथन वाला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन के ऊपर जो एयर चलती थी, वायुदाब पेटी चलती थी, वो कौन सी चलती थी? आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और एक चलती थी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है? और ये क्या चल रही है? ईस्ट की तरफ से चल रही है। तो ये क्या कहेंगी? कहलाएंगी आपकी ईस्टर्ली विंड, एक तरह से कहलाएंगी। और ये जहां मिलती है तो क्या बनता है? ITZ। इनकी डायरेक्शन कैसे है? साउथ से किधर? ईस्ट से किधर की तरफ है? वेस्ट की तरफ। इसीलिए सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं? ईस्टर्न साइड से स्टार्ट होते हैं और वेस्टर्न साइड की तरफ जाते हैं। और जब ये कहां, जब क्या कहते हैं आपका पानी की कमी हो जाती है, मतलब जब ये स्थल पे पहुंचते हैं या आपके लैंड पे पहुंचते हैं, तो क्या होता है? ये वीक होने लग जाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? साइक्लोन की। तो साइक्लोन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर की तरफ। अब आएंगे और कारण क्या है? ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ITZ है ही, कोरियोलिस फोर्स है ही, ठीक है? एटमॉस्फेरिक वर्टिसिटी मिली रही है, अपर एयर डाइवर्ज हो रही है, तो ये एयर जो है ऊपर जाके होगी डाइवर्ज होने लग जाएगी, फिर कहीं पे सबसाइड होगी, फिर डाइवर्ज होगी, तो ये क्रम चलता रहेगा। तो ये आप 5-6 कंडीशन जो पहले लिख दोगे तो इससे क्या होगा? आपके शब्द भी बचेंगे, ठीक है? और अगर वो इतना पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि इस लड़के को आता है, वहीं से वो डिसाइड कर देगा। नहीं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की कहानी लिखने शुरू कर दोगे और वो ये पॉइंट ढूंढेगा। तो इससे पहले उनको ये पॉइंट दे दो कि ये एटलीस्ट कंडीशन होनी चाहिए। अब एक आपको मैं जनरल सी बात बोलता हूँ कि हमें 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था कि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक जो हीट होती है, वो कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब क्या? पानी जो है बहुत देर से क्या होगा? गर्म होगा, और एक बार गर्म हो गया तो ठंडा भी उतनी ही देर से होगा। अर्थात मैं कहूं कि समुद्र के सरफेस के जो 50 से 60 मीटर तक की लेयर है, इसका टेम्परेचर 26.5 डिग्री करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता हुआ। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो भारत में तो गर्मी कब से स्टार्ट हो जाती है? सूरज जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है? तो आप कहोगे कि पानी गर्म तो तुरंत हो जाना चाहिए, तो साइक्लोन कब आने चाहिए? लेकिन अगर हम साइक्लोन का टाइम देखें तो ज्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके आते हैं सितंबर और अक्टूबर के बीच में। उस समय देखना न्यूज़पेपर पुराने देखो, सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन इसी टाइम पे आते हैं ज्यादातर। वो इसलिए आते हैं क्योंकि तो हालांकि गर्मी तो जून जुलाई से स्टार्ट हो गई है, लेकिन इतनी 50 से 60 मीटर की लेयर को गर्म करना और एक जैसा 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बनाना, इसमें टाइम लगता है क्योंकि पानी गर्म होने में टाइम लेता है। तो जून में थोड़ा गर्म हुआ, जुलाई में, ठीक है, अगस्त में, सितंबर में, सितंबर के लास्ट तक ये 50 से 60 मीटर तक की लेयर को पूरा गर्म कर देता है। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? सितंबर से अक्टूबर में सबसे ज्यादा आते हैं। तो कभी ये क्वेश्चन भी आ जाएगा तो उसका यही आंसर बनेगा। फिर इसके बाद साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट क्यों मूव करता है, वो भी हमने बता दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के कारण। साइक्लोन क्यों इक्वेटर पे नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ा 0 से 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है।
तो वहां पे साइक्लोन कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। अब हम इस साइक्लोन का कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, आईज क्या होती है, आई बॉल्स क्या होती है, मतलब अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम साइक्लोन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। एक एक पतली सी जो है मैं क्या बना रहा हूं, एयर की एक लेयर बना रहा हूं, और ये बहुत ही थिन थिन लेयर होती है, ठीक है ना। अब क्या है, हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, कोई भी साइक्लोन हो, तो मैंने बताया था बीच में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है, सराउंडिंग से, और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में बीच में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी याद रखना, अभी से मिटाता नहीं हो, ठीक है। ये जो होती है एकदम मिडिल का पॉइंट जहाँ साइक्लोन होता है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोन की क्या, आई आंख। और यहाँ पे एक छोटी सी बहुत ही थिन लेयर होती है जहाँ पे एयर क्या करती है, एयर सब्सिडाइज करती है, ठीक है। सब्सिडाइज का मतलब नीचे की तरफ बैठ रही है, और जब भी मैंने बताया था एयर सब्सिडाइज करती है तो क्या बनता है, वो हाई प्रेशर जोन बन जाता है। तो आई में एक बहुत ही पतली थिन लेयर होती है जो हाई प्रेशर रखती है। होना क्या चाहिए, लो प्रेशर। लो प्रेशर बिल्कुल होता है कहाँ पे होता है, इसके चारों ओर, आइस के चारों ओर, और आइस के जो एक साइड इधर हो गई, एक साइड इधर हो गई, इसको बोलते हैं क्या, आई वॉल। और आई वॉल पे आपको लो प्रेशर मिलेगा इंटेंस, लेकिन ये हाई प्रेशर बहुत थिन है तो इसका ज्यादा चल नहीं पाता। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आई पे स्पेशली आपको प्रेशर कौन सा होगा, क्योंकि एक पतली सी लेयर वहां पे सब्सिडाइज करती है, कुछ रिलेटिवली हाई प्रेशर बनाती है। अदरवाइज जो है सेंट्रल में हम क्या पढ़ते हैं, जनरली लो प्रेशर, लेकिन अगर उसे और डेप्थ में पढ़े तो ये होता है, ठीक है। अब ये साइक्लोन बनना है, ये साइक्लोन की आई वॉल है, और ये साइक्लोन की आई वॉल जो होती है 30 से 40 किलोमीटर तक की भी हो सकती है, मतलब इतना बड़ा उसका क्या हो सकता है, जो क्षेत्र हो सकता है कवर करने का। अब इन साइक्लोन की स्पीड के अनुसार इनको भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। स्पीड के अनुसार उन्होंने क्या देखा है कि जनरली साइक्लोन जो 210 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं उनको सुपर साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है, ये भी लिख देंगे थोड़े अच्छे नंबर हमें मिल जाएंगे। जिनका 230 किलोमीटर या इससे ऊपर पर आवर होते हैं उनको, इनको सुपर साइक्लोन बोलते हैं, और उनको बोलते हैं आपका टाइफून, ठीक है, सुपर टाइफून। और जो जनरल साइक्लोन आते हैं वो 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सिंपल जनरल साइक्लोन। अच्छा, एक चीज और रह गई कि जब हमने पढ़ा था, यहाँ पे बता देते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती थी, और कहाँ पे मिलती थी, जहां पे ITCZ बनता था। जब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड है, जब ये आपस में मर्ज करने वाली होती हैं, और अगर जब जनरली मर्ज करती है तो ITCZ बनना ही बनना है, ठीक है। लेकिन अगर वो सारी कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी थी, टेम्परेचर 26.5 हो जाना, 50-60 मीटर ITCZ, एयर डाइवर्स करना, ये सब करना, अगर ये 6 की 6 कंडीशन पूरी हो रही होती हैं, तो ऑब्वियस है कि वहां पे कोरियोलिस फोर्स भी काम कर रहा है, और कोरियोलिस फोर्स जो होता है बहुत ही हाई होता है। हाई कोरियोलिस फोर्स होने के कारण जो ट्रेड विंड जो आपस में क्या है, मिल रही थी, ठीक है ना, वो सेंट्रल जो साइक्लोन है उसके सेंट्रल तक नहीं पहुंच पाती, या यूं कहें कि साइक्लोन की आई तक नहीं पहुंच पाती। साइक्लोन की आई ये है, कोरियोलिस फोर्स होने के कारण ये क्या होती है, ये भी आई बॉल के संग क्या करने लग जाते हैं, रोटेट करने लग जाते हैं आई बॉल के साथ, और साइक्लोन जो होता है और बड़ा रूप ले लेता है। तो हमेशा याद रखना, जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये आई पे नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स पहले उनको क्या कर देता है, अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर है तो राइट हैंड घुमा देता है, और साउथर्न हेमिस्फीयर तो लेफ्ट हैंड घुमा देता है, उन्हें आई से टच होने नहीं देता है। अब टाइफून के या ट्रॉपिकल साइक्लोन के अलग अलग नाम है, चाइना में इसको बोलते हैं क्या, टाइफून, प्रीलिम्स में आपने पढ़ा ही होगा, जापान में बोलते हैं क्या, जापान में बोलते हैं टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, बिल्ली, ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं विली। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे
किन किन स्टेजेस, कुछ पांच स्टेज होती है जिनमें साइक्लोन बनता है, क्योंकि कभी कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्टेज पे क्वेश्चन कर दिया, तो आप फिर ये कंडीशन लिखोगे तो वो पूछेगा यार मैंने तो स्टेज पूछी है, कंडीशन लिख रहा है, तो कंडीशन भी वहां पे हम लिखेंगे लेकिन स्टेज से आंसर शुरू करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं फंसने की जरूरत नहीं है, पांच स्टेज होती हैं उनको ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या होती है, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेजेस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। पहली स्टेज, स्टेज नंबर वन, पहली स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ आई, आई का बनना, और इसको बोलते हैं CYCLO, साइक्लो जेनेसिस, याद रखना ये वही स्टेज, स्टेज नंबर सेकंड, ठीक है। स्टेज नंबर सेकंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आई वॉल, फॉर्मेशन ऑफ आई वॉल, ये सब आपको पता है, बस उसको सिस्टमेटिक वे में रखना है। फॉर्मेशन ऑफ आई वॉल बनेगा सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में आपको क्या बनता है, ये थोड़ा याद करना है। थर्ड स्टेज में बनता है जो रेन बैंड्स होते हैं, या मैं इनको बोल दूं क्लाउड्स होते हैं जो बरसा करते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। तो हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेन बैंड्स, ठीक है। रेन बैंड्स मतलब क्लाउड कौन कौन से हो सकते हैं, क्लूमो निम्बस क्लाउड हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश करता है, क्लूमो CLUMO, क्लूमो स्ट्रेटस हो सकता है, ठीक है, अल्टो स्ट्रेटस हो सकता है, ठीक है, क्लूमो और अल्टो या स्ट्रेटस टाइप के ज्यादातर क्लाउड जो है बनते हैं। अल्टो स्ट्रेटस की जगह अल्टो क्लूमस लिख दो उनको, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो आपके अपने साथ हैवी रेन करता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है, क्योंकि हाई प्रेशर जो आई को छोड़ दे हम पतला सा, तो जो लो प्रेशर बनेगा ये ऊपर जाके क्या करेगा, कंडेंस करके बारिश भी करेगा वहां पर, क्योंकि लो प्रेशर क्या करता है ऊपर की तरफ इनस्टेबिलिटी के दौरान ऊपर की तरफ जाता है। फिर इसके बाद जो चौथा स्टेज होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिंग क्लाउड, क्लाउड जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होने लग जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिंग क्लाउड। अच्छा इसमें ये कंफ्यूजन मत करना कि सर ये वाला क्लाउड बनेगा, ये वाला क्लाउड बनेगा, ये वाला क्लाउड बनेगा, हर तरह के बैंड में अलग अलग प्रकार के क्लाउड बनते हैं, स्ट्रेटस भी बनता है, निम्बस भी बनता है, अल्टो भी बनता है, ठीक है, और फिर क्या होने लग जाते हैं, वो कनेक्ट होने लग जाते हैं, तो और हैवी हो जाते हैं तो और ज्यादा बारिश करते हैं। और स्टेज नंबर पांच में क्या होगा आपका, डेथ ऑफ साइक्लोन, और डेथ ऑफ साइक्लोन को क्या बोलते हैं, CYCLO, और टूटना मतलब लाइसिस, तो साइक्लोलाइसिस का मतलब डेथ ऑफ साइक्लोन। पांच स्टेज हो गई, इसको आप डिस्क्राइब कर ही दोगे, ठीक है, सिंपल सा था हमारा क्वेश्चन बन गया। अब एक चीज और याद कर लो, डेथ ऑफ साइक्लोन, इस साइक्लोन की, वो भी कौन सा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसकी डेथ कहाँ पे होती है, जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में अगर ये साइक्लोन पहुंच गया किसी तरीके से ऊपर की तरफ चले गया, तो इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर बेल्ट भी अपना सन के संग अपने अपने मूवमेंट करती है, और गलती से ही उस जोन में चले गया तो क्या है, हाई प्रेशर का जोन है वो इसको ऑलरेडी अपना भी खत्म कर देगा। दूसरा क्या होता है, जब ये कोस्टल रीजन में आता है, अब आप बोलोगे कि आप कह रहे हो कोस्टल रीजन में आ रहा है, डेथ हो जा रही है, और वहां उड़ीसा में और कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है, ये इतना तबाही क्यों कर देता है, तो आपकी बात सही है, क्योंकि साइक्लोन कहाँ बनता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, ये साइक्लोन अंदर की तरफ आना होता है और नीचे सक करता है किसको, वाटर को, लेकिन जैसे ही कोस्टल रीजन में आता है मतलब समुद्र और पानी के बीच के जंक्शन में आता है, तो अभी पानी तो अब्जॉर्ब कर नहीं सकता, क्योंकि अब वो लैंड आ गया, तो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है और कुछ ही किलोमीटर में खत्म हो जाता है, तो उसको क्या मानते हैं, डेथ ऑफ साइकिल, साइक्लोन कोस्टल रीजन में ये होती है। अब इसके बाद एक लास्ट और फेमस क्वेश्चन बना कि जहां पे ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं वहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों होता है, तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। एक ये हमारा आइलैंड है, 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 ये क्या है, ग्रुप ग्रुप ऑफ आइलैंड है।
अभी हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सारे आइलैंड में क्या है, उसके आसपास क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की कंडीशन हो रही है। सितंबर अक्टूबर आ गया है, अल्टीमेट लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वर्टिसिटी भी आएगी, इसकी भी अपनी वर्टिसिटी आएगी, इसकी भी अपनी आएगी, इसकी भी अपनी की आएगी, इसकी भी अपनी आएगी। छोटे छोटे ग्रुप में ये कंडीशन चल रही है। फिर क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड की जितनी भी लो प्रेशर है ये आपस में एक दूसरे से क्या करने जाते हैं, ज्वाइन करने लग जाते हैं और एक बड़ा रूप धारण कर देते हैं। ठीक है, अब ये मैं सोचता है कितने किलोमीटर में है तो ऐसा ग्रुप क्यों धारण कर रहे हैं, क्योंकि आई वॉल जो होती है वो खुद जो है 30 से 40 किलोमीटर लगभग कवर करती है, और उतने में अगर दूसरा आ गया तो उसका भी पानी अब्जॉर्ब कर लेगी। तो लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर और एक साथ मिलकर तो एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो गया। बहुत बढ़िया वातावरण मिल गया साइक्लोन को क्या करने का, तहस नहस मचाने का। और इधर से ईस्टर्ली आ रही है, ये इनको घुमा के ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ले जाती है, और जब तक कोस्टल रीजन में नहीं पहुंचेगा ये तबाही मचाता रहेगा और बारिश करता रहेगा। तो ये रीजन होता है कि लो प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर बिकम एक्सट्रीम लो प्रेशर। यहाँ पे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं, और किसी को भी ट्रॉपिकल साइक्लोन बता सकते हो। अब ऐसे ही हम टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे, जोन हमें पता ही है टेम्परेट साइक्लोन का क्या होता है, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फटाफट इसको हम खत्म करते हैं, एथिक्स खत्म करना है हमें और इसी महीने में खत्म करना है, उसकी आप टेंशन मत लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।